अब की बार का चुनाव पिछले चुनाव से थोड़ा सा ज्यादा अलग दिखता है। अलग इसलिए दिखता है, कॉमर्शियल इनपुट यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्राइवेट कंपनी या कॉरपोरेट या कोई बिजनेसमैन जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो बहुत सारे फी की चीजें जैसे प्रोडक्ट सैंपल वगैरह लोगों को देता है, कस्टमर्स को देता है, ताकि वो उनको रिझा सके। उसके बाद वो डबल ट्रिपल दाम उनसे जो है वसूलता है। सवाल यहाँ पे ये है कि रस्ते का माल सस्ते पे आवाज लगा के बेचने वाले भी कुछ न कुछ दाम जरूर लेते हैं। नेताओं से ये पूछना, पॉलिटिकल पार्टियों से ये पूछना, ये बड़ा वाजिब सा सवाल है कि टैक्स पेयर के पैसे को फ्री में लुटाने के लिए आप चुनाव में जो घोषणा करते हैं, ये अधिकार आपको किसने दिया? मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता हूँ कि सरकारों को फ्री नहीं देना चाहिए, गरीबों को, जरूरतमंदों को फ्री में राशन और स्कीम चलनी चाहिए, लेकिन वो सरकार बनने के बाद, और जो वाकई में जरूरतमंद है। फर्क यहाँ पे ये है कि जब आप आधार कार्ड से लिंक करके किसी जरूरतमंद की पहचान करते हैं, वो एक डिफरेंट घटना होती है, डिफरेंट फेनोमेनन होता है। और यहाँ पे जबकि मास लेवल पे आप डिक्लेयर कर देते हैं कि कोई भी हो, हमारी सरकार आए, जितनी जनता है हम सबको फ्री में देंगे, मेरे हिसाब से ये बहुत गलत चीज है। भरपाई कहाँ से होगी, टैक्स पेयर के पैसों की रिकवरी कैसे होगी? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस तरह का फ्री में लालच देना, मैं इसको एक नैतिक गुनाह मानता हूं। नेताओं को ये भी सोचना चाहिए कि लगातार फ्री में लालच देने का, बस का टिकट फ्री, ये फ्री, वो फ्री, हर चीज फ्री है, तो इससे बेटर तो ये है कि आप टैक्स ही फ्री कर दीजिए ना। आप फ्री में क्यों किसी चीज को दे रहे हैं? जनता से टैक्स लेंगे फिर उसको फ्री में देंगे, टैक्स को आप फ्री कर दीजिए। नैतिक रूप से ये हमारे नागरिकों को कमजोर भी बनाता है, उनके अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति भी डेवलप होती है जो आगे चल के उनकी एक उम्मीद बन जाती है कि हर चीज के लिए सरकार पड़ी है, और वो उसको इनकैश करना शुरू कर देते हैं। उनका एक पॉलिटिकल बिहेवियर में चेंज आ जाता है, वो ये डेफिनेटली मानने लगते हैं कि सरकार जैसे ही हमारी आएगी या अगली सरकार आएगी, वो या तो माफ कर देगी या फिर हमें फ्री में कोई चीज दे देगी। हम लोगों ने पहले भी देखा है कई किसानों के जैसे बिल वगैरह जो जेन्युइन वे में बाकी रहते थे, जिनके साथ कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन वो भी इस चीज का, सरकार की मजबूरी का फायदा उठाते थे कि सरकारों को जो है चुनाव जीतना है तो वो हमारे कर्जे माफ करेगी। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट एनपीए वो इसी चक्कर में हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सरकार जब आएगी, चुनावी वादा करेगी, हमारा कुछ उनसे तोल मोल होगा, फंडिंग वगैरह के लिए हम लोन फ्री में लेंगे, कुछ अगेंस्ट में कुछ ऐसी चीजें लेंगे। मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये जो फ्री कल्चर है, इस पे इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए। आचार संहिता लगने के बाद जहां बहुत सारे प्रोजेक्ट को रोक दिया जाता है, गवर्नमेंट कोई योजना नहीं लागू कर सकती है, तो वहां पे ये फ्यूचर के लिए फ्री बीज वाला जो है वो प्रॉमिस कैसे कर सकती है? इसको इलेक्शन कमीशन को संज्ञान में लेना चाहिए, देश की जनता को भी इसका विरोध करना चाहिए और सोचना चाहिए। वाजिब तरीके से जो चीजें फ्री में होनी चाहिए, जरूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए, और सबसे बढ़ के मीडिया बंधुओं को और नेताओं को ये सोचना चाहिए, अगर वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी को महसूस करते हैं कि ये मुफ्त में देने की जो चीजें हैं, घोषणाएं, भले ही वो पूरी होती हो या ना होती हो, चुनाव जीतने के बाद वो भी भूल जाते हैं। बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने चुनाव में बढ़ चढ़ के फ्री के वादे किए, लेकिन वो क्षणिक होते थे, महीने दो महीने के बाद कोई ना कोई बहाना लगा के वो अल्टीमेटली पैसा जनता से ही वसूलते थे। तो मैं ये अपील करना चाहूंगा, जनता से पहली अपील है कि इन फ्री बीज के चक्कर में न पड़े, देश को मजबूत बनाना है, देश को कमजोर नहीं बनाना है। नेताओं को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को अपनी आधारिक जिम्मेदारी समझते हुए इस पर रोक लगानी चाहिए। धन्यवाद।